गुड मॉर्निंग प्यारा दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित संविदा नर्स GNM भर्ती परीक्षा की तैयारी के अंदर आज का हमारा 32वां दिन है और अपन लाइव आते हैं शाम 7:30 बजे। फिक्स है ये टाइम अपना। दबंग क्लास के अंदर आज हमारी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लास को कैरी ऑन कर सकें। तो जल्दी से जल्दी लाइक इट, शेयर इट, देन सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जो जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देन हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं बिना किसी डिले के। आज का हमारा जो पहला यहाँ पे MCQ है वो यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट से आया है। कंप्यूटर का यहाँ पे MCQ है कि हिंदी में है पूरा, मेमोरी का मुख्य कार्य है गणना करना, कंट्रोल यूनिट को डायरेक्शन देना, डेटा कलेक्शन करना और इनमें से कोई नहीं। याद रखना आपकी एक मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी यानी आपकी जो मोबाइल फ़ोन होता है, सेल फोन होता है या लैपटॉप होता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी होती है। उस मेमोरी का अपन क्या बोल सकते हैं, तो मेमोरी के अंदर क्या ऐड किया जाता है, मतलब आपके वीडियोज़ हुए, आपके डॉक्यूमेंट हुए, आपके ऑडियोज़ हुए, आपके इमेजेस हुई, ये सारे के सारे टेक्स्ट हुए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर तो ये सारे क्या किया जाता है, एक कलेक्ट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है इनका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। सी को अगर अपन देखेंगे, डेटा कलेक्शन, क्या लिखा हुआ है, डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्ट करने का काम किसका है, मेमोरी का। आया समझ में, बड़े आ गए। अब गणना करने का काम कौन करता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो गणना करने का काम तो कैलकुलेटर करता है, ये मैंने लिख दिया कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर करता है गणना करने का काम। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। देन अगर आगे देखें अपन क्वेश्चन, तो आज देखो कुछ यहाँ पे इसके है क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी साथ में आ रहा है, कोई बात नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है मैं बता दूँ आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रकार का ये अलग अलग वर्जन है, ठीक है। लैपटॉप का वर्जन होता है, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, इनका क्या होता है, वर्जन होता है अलग अलग। मतलब जैसे पहले चलता था Windows 7, फिर आया 8 आया, Windows 8 आया, 8 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 10A आया, फिर 11 आया, 11 से अब 12 आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से विंडो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने सामने आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, Windows 98। क्या होगा, Windows 98, एक प्रकार का मतलब उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर संचालित किया जाता है, जैसे Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 8, Windows 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इस प्रकार से विंडोज उदाहरण होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2011 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले आपको बताना है, क्या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो क्या इस प्रकार से सिक्वेंस होता है क्या। फिर सेकंड पर अगर देखेंगे तो दूसरा आंसर, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, और फिर लिखा है सी के अंदर प्रिंसिपल, लेक्चरर, ट्यूटर, और फिर डी में लिखा है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लिनिकल ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर्स। तो अब बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, फिर वाइस प्रिंसिपल आता है, फिर ट्यूटर आते हैं, फिर क्लिनिकल स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर से हाई से लेके लो तक, लो जो फैकल्टी होती है उसके अंदर वो है ये, इस प्रकार से। तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, का ए 2 ईयर चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट सडनली फॉल ऑन फ्लोर, द बेस्ट नर्सिंग एक्शन इज, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 2 वर्षीय शिशु फर्श पर अचानक गिर जाता है,
गिर पड़ता है, इसका सबसे उत्तम नर्सिंग उपचार क्या होगा? हिंदी में तो पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन, चलो अब बताओ इसका राइट आंसर। अब मजे की बात क्या है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है आपके पास में, चार ऑप्शन होते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन तीन ऑप्शन ही है, तीन ऑप्शन में से ही राइट आंसर बताना है आपको, देख लो अब कितना, क्योंकि चौथा ऑप्शन जो था वो नन था तो मैंने उसको हटा दिया, वो तो लिखा ही नहीं, तीन ऑप्शन ही दिया आपको, तो चौथा ऑप्शन आप लिखना चाहो तो लिख दो नन। पहला ऑप्शन है अपने यहाँ पे पुट द चाइल्ड इन द बेड इमीडिएटली, मतलब क्या लिखा है, शिशु को फौरन बिस्तर पर लेटा दे, तो क्या अपन ऐसा करेंगे? सेकंड पर लिखा है अलाउ चाइल्ड ऑन सिटिंग पोजीशन, शिशु को बैठने की अवस्था में रखे। फिर लिखा है प्लेस द चाइल्ड ऑन द चेयर, शिशु को कुर्सी पर बिठा दे। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या करोगे आप, जब शिशु अचानक से इस प्रकार से गिर जाता है तो आप क्या करोगे? तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर चार मेजर डिजीज यहाँ पे आती है, ठीक है, सभी को पता है। पहली तो है पल्मोनरी स्टेनोसिस, कहती है पल्मोनरी स्टेनोसिस पहली वाली। दूसरी वाली जो डिजीज आती है VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फिर तीसरे नंबर की आती है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और जो चौथी डिजीज आती है वो आती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ये वाली बीमारी आती है, चार मेजर डिजीज इसके अंदर काउंट की जाती है। और चार मेजर डिजीज है मतलब शिशु को बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो तुरंत उसको क्या करना है, अपन को बेड पर लेटाना है, तो पुट ऑन द चाइल्ड इन बेड इमीडिएटली, ये इसका राइट आंसर होगा। इन चार मेजर डिजीज से बचाने के लिए यही उपचार अपन को करना पड़ेगा। आया समझ में? बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल फॉर डेट बेबी आर प्रिवेंटेड बाई, स्मॉल फॉर लेट डेट को रोका जा सकता है। अब किसके द्वारा रोका जा सकता है स्मॉल फॉर डेट को, ठीक है, शिशु के जन्म में अंतर रखकर यानी स्पेसिंग ऑफ बेबी, और फिर एंटीनेटल केयर यानी प्रसव से पूर्व देखभाल द्वारा, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यानी पूरक पोषक द्वारा, और इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण द्वारा। तो स्मॉल फॉर डेट बेबी का अर्थ होता है प्री मेच्योर बेबी, मतलब कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है, प्री मेच्योर बेबी, छोटा बेबी होगा, प्री मेच्योर मतलब छोटा बेबी होगा। तो स्मॉल फॉर डेट, और डेट होगी वो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, मतलब EDD होती है, उससे पहले ही डिलीवरी होगी तो क्या होगा, एंटीनेटल केयर अपन को अच्छी देनी पड़ेगी, इसको रोका जा सकता है इससे। तो एंटीनेटल केयर में अपन को यही ध्यान रखना, एंटीनेटल केयर अच्छी देनी है कुल मिला के, ये इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? बढ़िया, आ गया सेकंड क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर द अटैक, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके होने के बाद में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में स्थायी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है? क्या टाइफॉइड, क्या टिटनस, क्या डिप्थीरिया और क्या मम्स? चार ऑप्शन है। टाइफॉइड को टाइफॉइड ही बोलते हैं हिंदी में, टिटनस को टिटनस ही बोलते हैं, डिप्थीरिया को डिप्थीरिया ही बोलते हैं, लेकिन मम्स को बोलते हैं गलसुआ। क्या बोल सकते हैं? गलसुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं? गलसुआ। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, मीजल्स, मम्स और रूबेला, पोलियो, ये सारी जो बीमारियाँ हैं, टीबी, ये क्या करती है, ये सारी की सारी जो बीमारियाँ है वो क्या करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, मम्स। क्या होगा? मम्स, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक बार होने के बाद में मतलब इम्यूनिटी पूरी प्रोवाइड कर देगी ये। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, मम्स। यहाँ तक तो समझ में आ गई सबको, बड़े आ गए। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट हेड केमिकल बर्न, द बेस्ट इनिशियल एक्शन, मतलब एक रोगी को
रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रासंगिक प्रारंभिक उपचार क्या होगा, मतलब इनिशियल एक्शन क्या होगा जब कोई केमिकल बर्न का पेशेंट आता है। पहला लिखा है यहाँ पे रोल द पेशेंट इन ब्लैंकेट, मतलब रोगी को कंबल में लपेट दे। क्या ऐसा करेंगे अपन जब केमिकल से बर्न होगा पेशेंट तब? फिर लिखा है फ्लश द एरिया विद कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर और नॉर्मल स्लाइन, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। फिर लिखा है इफ केमिकल इज एन एसिड नाउट रिलाइज विद ए बेस, यदि रसायन अम्ल है तो उसे क्षारीय पदार्थ से प्रभावहीन करें। फिर लिखा है मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम केमिकल, और केमिकल से दूर ले जाएं। क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बता दें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे अगर केमिकल से बर्न होता है तो अपन को वहाँ से केमिकल को हटाना पड़ेगा। केमिकल को हटाना पड़ेगा उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल सलाइन और वाटर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज? वाटर का यूज करना पड़ेगा। फ्लश द एरिया, एरिया को फ्लश करना होगा मतलब धोना पड़ेगा, कुल मिला के धोना पड़ेगा, मतलब किससे? जल से और क्षारीय जल से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़े आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग ए वुमन इन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, द नर्सिंग केयर प्लान शुड इंक्लूड, एक नर्स एक महिला की प्रसव के चौथे चरण में देखभाल कर रही है, उसके नर्सिंग देखभाल योजना में क्या शामिल होना चाहिए, मतलब वो किसकी देखभाल करेगी, कौन सी चीज़ की देखभाल को प्रायोरिटी देगी, क्या वह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेगी, क्या सर्वाइकल डायलेटेशन को देखेगी, क्या बर्थ ऑफ बेबी एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा को देखेगी, क्या रीएडजस्टमेंट टू द नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, यानी गर्भ मुक्त अवस्था के लिए माँ को तैयार करना। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर पूछा है यहाँ पे, आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, सर्वाइकल जो डायलेटेशन है वो देखते हैं अपन सेकंड स्टेज के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के अंदर। फर्स्ट के स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन देखा जाता है कितना खुला, और फुल डायलेटेशन होता है सेकंड स्टेज के अंदर, तो फर्स्ट और सेकंड डायलेटेशन की फेज होती है, तो डायलेटेशन अपन देखते हैं सेकंड स्टेज के अंदर, देखते हैं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद में बेबी डिलीवर हो जाता है। देन बर्थ ऑफ बेबी, ये भी सेकंड स्टेज के अंदर आता है, और डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थर्ड स्टेज के अंदर आता है, किसके किस स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज के अंदर आता है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, और सेकंड में डिलीवरी ऑफ द बेबी, और फिर रीएडजस्टमेंट ये आपका पोस्टपार्टम पीरियड में चला जाएगा, पोस्टपार्टम पीरियड में चला जाएगा। तो अब बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्यों देखेगी नर्स, क्योंकि थर्ड स्टेज के बाद में प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद में क्या हो सकता है, PPH यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज होने के चांस रहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़िया है तो ट्रीट हो जाएगा, और अच्छे नहीं है तो ट्रीट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये है इसका राइट आंसर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? बढ़िया, आ गया। अगला क्वेश्चन है अपन सभी के सामने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, 5 वर्षीय मोहन को गुदा कैंसर यानी रेक्टम का कैंसर है, ठीक है, की पहचान हुई है तथा उसकी नैदानिक प्रतिक्रिया में मतलब डायग्नोसिस में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि न होने की पुष्टि हुई है, केवल मामूली रक्त दाब बताया गया है, मतलब हल्का सा ब्लड प्रेशर बताया गया है, उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई है, मतलब उसको पूछा गया कि आपके क्या है, मतलब था तो उसके रेक्टल कैंसर, मतलब गुदा कैंसर है, रेक्टल का कैंसर है, हेमरॉइड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत भयंकर बीमारी है, कुल मिला लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, लेकिन अगर उसको पूछा गया कि तुम्हारा क्या है, डायग्नोसिस में क्या आया है, तो फिर वो बताएगा, जो 5 वर्षीय मोहन है वो बताएगा
कि मेरे को तो सिर्फ मामूली रक्तदाब बताया गया है डॉक्टर ने और कुछ नहीं बताया, हल्का सा ब्लड प्रेशर हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, मतलब कौन सा यहाँ पर मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया है इसने, तो पूछेंगे यहाँ पर प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन तो होता है आरोप लगाना, ठीक है, युक्ति देना, मतलब आप फेल हो गए तो मेरे फेल होने का कारण मैं नहीं हूँ, मेरे फेल होने का कारण बुक्स है, तो बुक्स में गलत दे रखा है, तो वो किसके, मतलब किसके अगेंस्ट बोल रहा है, बुक्स के अगेंस्ट, बुक ने गलत लिखा है। और या ये बोलेगा कि टीचर ने मेरे को सही नहीं पढ़ा है, लेकिन खुद की बुराई नहीं करेगा, खुद को यूँ नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं पढ़ा, वो नेगेटिव थॉट है कुल मिला के, उसके नेगेटिव थॉट है, वो आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप लगाएगा कि ये जो भी गलती हुई है इसके पीछे मैं नहीं हूँ, ये वाला है, मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ है, यूँ। रिप्रेशन यानी निरोध, रिप्रेशन भी नहीं होगा। देन डेनियल, डेनियल ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, पेशेंट भारी बात को हल्के बात से कंपेयर करके नकार देगा कि मेरे को ये तो नहीं है, बिल्कुल नकार देगा, वो निषेध कर देगा। जैसे वाइफ ने और हस्बैंड ने साथ में खाना खाया, ठीक है, एक डिनर साथ में किया, दूसरे दिन क्या हुआ, का हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर भी वाइफ टेबल पर खाना परोस के बैठी है, उसका वेट कर रही है कि वो आएगा अभी और खाएगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगी कि उसकी डेथ हो गई है, उसके स्वीकार नहीं कर रही है, ये क्या है, डेनियल है। तो ये यहाँ पे डेनियल राइट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का जो अर्थ होता है विस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित करना, मतलब एक बूढ़ा आदमी है वो वार्ड के अंदर सो रहा है, उसका इलाज चल रहा है, तो जो नर्स उसकी केयर करने आ रही है उसमें उसको अपनी बेटी दिखती है, मतलब बेटी नज़र आती है, और वो बोलेगा कि बेटी इधर आ, मतलब वो बेटी नहीं है उसकी, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। देन अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सोचोगे पहले आ चुका है लेकिन नहीं आया हुआ है, ये नया क्वेश्चन है, अलग वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिखा है इन्होंने, वेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू ए पेशेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन 6 आवर पीरियड, मतलब 6 घंटे के समय अंतराल में एक यूनिट रक्त दे देना चाहिए, नहीं, यू ए सही मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 से लेके 4 घंटे में अपन को क्या करना है, फिनिश करना है ब्लड को, 3 से 4 घंटे में फिनिश करना है, ना कि 6 घंटे में, 6 घंटे रखोगे तो आपको पोस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, पोस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब बाद वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है, मतलब हेपेटाइटिस सी हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है अगला ऑप्शन, यूज़ ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, रक्त देने के लिए आयतन नियंत्रण प्रविष्टि पंप का प्रयोग करें, नहीं, ऐसा भी अपन नहीं करेंगे। फिर लिखा है रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्लो करना, पहले जो 5 से 10 मिनट अपन को क्या करना, धीमी गति से देना है, फिर अपन फास्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे चौथा ऑप्शन, ये पहला गलत था, बी गलत था, ए बी दोनों ही ऑप्शन गलत है, सी बिल्कुल राइट आ रहा है यहाँ पे। फिर डी को अगर अपन देखें तो इसमें लिखा है ड्रॉ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट द ट्रांसफ्यूज, मतलब प्रत्येक यूनिट रक्त के अंतरण के पश्चात तुरंत रोगी का रक्त सैंपल ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा वो यही होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 से 10 मिनट में अपन को क्या करना है, धीमे चलाना है, फिर अपन को वापस वो नॉर्मल जो रेट है उसमें कर देंगे, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका पसंदीदा आंसर। देन अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वेट गेन, नोजिया एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन उल्टी, शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने एवं पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों को गहरा संबंध है, ऐसे लक्षणों से क्या है गहरा संबंध है, मतलब वजन बढ़ेगा और उल्टी आएगी और पेशाब की मात्रा में कमी आएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, क्या वो एंजाइना पेक्टोरिस है, क्या कार्डियोमिगेली है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। एंजाइना पेक्टोरिस का
हिंदी में नाम यही है एंजाइना पेक्टोरिस। कार्डियोमिगेली कार्डियोमायोपैथी का दूसरा नाम कार्डियोमायोपैथी ही है। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, बाई दिशा का हृदयाघात, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर यानी दाएं भाग का हृदयाघात। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट दे रहा हूँ मैं, क्रशिंग चेस्ट पेन होगा, सॉरी यहाँ पे एपिसोडिक चेस्ट पेन होगा, और रिलीव बाई एंटीजी, ठीक है, एंटीजी से यह रिलीव होगा। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। कार्डियोमायोपैथी यहाँ पे मायोकार्डियम जो लेयर होती है वहाँ की है ये बीमारी, तो इसका उल्टी सेन इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो दो को मैंने रिजेक्ट दे कर दिया। अब आपको हिंट दे रहा हूँ, याद रखना, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम। क्या कॉज करेंगे? पल्मोनरी सिम्टम। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैन कॉज सिस्टेमिक सिम्टम। कौन से? सिस्टेमिक सिम्टम लिखेंगे। अब बताओ इसका राइट आंसर, हिंट दे चुका हूँ मैं। अब बताओ मेरे को, ये वेट गेन जो हो रहा है, नोजिया हो रहा है और यूरिन आउटपुट, ये कौन से सिस्टम की बात कर रहा है? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर रहा है कि पल्मोनरी तो थे नहीं यहाँ पे, ये तो सिस्टेमिक है। और सिस्टेमिक मतलब आपके किडनी से रिलेटेड आ रहा है एक प्रॉब्लम, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना, फिर वेट गेन आ रहा है, नोजिया हो रहा है, नोजिया के साथ में वॉमिटिंग हो रहा है, ये आपका जीआई सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आप सबके सिस्टेमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी। डी को आप देखोगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो ये होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। इस प्रकार से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन कैसा भी आया, घुमा फिरा गया है, अपन को सॉल्यूशन तक पहुँचना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि एक को आप सही करोगे तो दूसरा गलत करोगे, मेरे को पता है इसमें। तो पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर आप बताना इसका राइट आंसर मुझे। ए नर्स इज मेकिंग राउंड टैगिंग वाइटल साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन इज एबनॉर्मल। ठीक है, एक नर्स वार्ड में भर्ती रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने हेतु चक्कर लगा रही है, इनमें से दिए गए कौन से आंकड़े असामान्य अवस्था या लक्षण दर्शाते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको एबनॉर्मल जो वाइटल साइन है वो बताना है, मतलब कम से कम उसके अंदर दो पैरामीटर एबनॉर्मल होने चाहिए, तीन हो तो वो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो तो एबनॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। पहला लिखा है ऑप्शन यहाँ पे, ए के अंदर आप देखोगे तो 11 साल का ओल्ड मेल है, 90 बीट पर मिनट आ रही है भी, उसकी जो हार्ट रेट है 90 बीट है, और रेस्पिरेटरी तो यहाँ पे नॉर्मली दिख रहा है, और ये भी नॉर्मली है, तो और जो ब्लड प्रेशर है उसका वो क्या आ रहा है, 100 से लेकर 70 mm of Hg, 11 साल के बच्चे का, तो ये सही है बिल्कुल, ये नॉर्मल है। तो पहला पैरामीटर आप देखोगे बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है। दूसरे पैरामीटर में जाओगे आप, 13 साल का ओल्ड फीमेल है, 105 बीट पर मिनट आ रही है मतलब हार्ट रेट, और रेस्पिरेटरी रेट 22 आ रही है, और जो आपकी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या है, 13 साल के पेशेंट का यहाँ पे 105/60 आ रहा है। ठीक है, और फिर लिखा है यहाँ पे अगला, 5 साल का ओल्ड मेल है, और 102 बीट पर मिनट यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है उसकी, सॉरी यहाँ पे हार्ट रेट आ रही है 5 साल का, और 24 रेस्पिरेटरी रेट आ रही है, और 90/65 यहाँ पे बीपी आ रही है, ये अपन को नॉर्मल दिख रहा है पूरा का पूरा। ए अपना पूरा नॉर्मल था, बी के बारे में अपन सोचेंगे अभी, ठीक है, बी को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, बोले पूरा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 साल के बच्चे का तो बीपी या जो हार्ट रेट है वो थोड़ा एलिवेटी आता है, रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है, एलिवेटी आता है, लेकिन बीपी और कम आता है, तो ये 90/65 बिल्कुल सही है। फिर आप देखोगे थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर देखोगे आप, डी के अंदर, तो 6 साल की ओल्ड फीमेल है, 100 बीट पर मिनट आ रही है, तो 6 साल की 100 सही, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है, नॉर्मल ही है, और 26 रेस्पिरेटरी आ रही है, ये भी नॉर्मल है, और 90/70 mmHg जो आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है वो भी नॉर्मल है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी सर, क्यों? क्योंकि 13 साल का पेशेंट है,
पहली बात, पल्स इतनी आती नहीं है, 90 के आसपास में आती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ 11 साल के पेशेंट का 90 के आसपास बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये 90 के आसपास रहती है, तो ये थोड़ी एलिवेट हो रही है, मतलब बढ़ रही है। और 22 रेस्पिरेटरी रेट, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ये कोई बात नहीं, करेक्ट मान लो इसको। और फिर अगर बीपी को आप देखोगे तो बीपी हल्की से एलिवेट है, जबकि होनी ये चाहिए, ये हल्के से एलिवेट है, पल्स प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे पल्स प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगभग आपका 45 आ रहा है पल्स प्रेशर, जो नहीं आना चाहिए, ठीक है, 60/90 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये राइट आंसर नहीं होगा, तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा बिल्कुल, ठीक है, आया समझ में। बढ़े आगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ोगे और ऑप्शन को पढ़ोगे आपको बिल्कुल शॉर्ट और बहुत अच्छा लगेगा, और एक ही बार में आप उत्तर दे सकते हो, इसका आंसर एक ही बार में दे सकते हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्या लिखा है, ए सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, मतलब एक नर्सिंग स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में पढ़ती है, हीज जस्ट सफर्ड ए नीडल स्टिक वाइल वर्किंग विद ए पेशेंट दैट इज पॉजिटिव फॉर एड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन दैट नर्सिंग स्टूडेंट शुड टेक। क्वेश्चन को बड़ा बनाया है और कुछ नहीं किया है, एक सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली नर्सिंग छात्रा को रोगी जो एड्स पॉजिटिव है उसका उपचार करते समय सुई से घाव लग जाता है, उसकी सुई से क्या होता है, घाव लग जाता है, नर्सिंग छात्रा को इनमें से कौन सा उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन ए इमीडिएट, सी ए सोशल वर्कर, मतलब फौरन किसी सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए, मैं पहला ही रिजेक्ट कर देता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा, उसको बताओगे आप मेरे नीडी लग गई, क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। फिर लिखा है स्टार्ट प्रोफाइलेक्टिक AZT, रोग निरोधक AZT से उपचार करना शुरू करना, AZT जो ड्रग होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे एड्स से काम आती है, एड्स के अंदर काम आती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। फिर लिखा है स्टार्ट प्रोफाइलेक्टिक पेंटामाइड ट्रीटमेंट, ये नहीं होगा, और चिकित्सक से परामर्श लेना, ये भी अपनी, जो इमीडिएट एक्शन है मतलब उपयुक्त कदम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम कौन सा होगा, AZT, ये इमरजेंसी ड्रग है जो अपन नीडलिस्टिक इंजरी में लगा सकते हैं। फिर लिखा है रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड, 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को कहते हैं एन्यूरेसिस, TIC टिक यानी पेशीय संकुचन, और स्टूटेटरिंग मतलब हकलाहट, और एनकोप्रेसिस यानी असंयत पुरुषता। तो संयम मुत्रण, संयम को अपन बोल सकते हैं, तो महाभारतकालीन जो वर्ड आता था यूज सोने को, मतलब निद्रा अवस्था, तो उसको बोलते थे सर सैया, ये सैया, ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है, संयम मुत्रण मतलब एन्यूरेसिस, नाम से स्पष्ट हो रहा है एन्यूरेसिस, ठीक है। और रात को पेशा बनना क्या बोल सकते हैं अपन, रात को यूरिनेशन होना क्या बोल सकते हैं, नोकचूरिया, क्या बोल सकते हैं, नोकचूरिया। फिर लिखा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज DGHS, द DGHS मतलब स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, क्या स्टेट लेवल पर, क्या विलेज पर, क्या सेंट्रल लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर होता है ये DGHS, ठीक है, याद रखना, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगला क्वेश्चन अपन सभी के सामने, वेन आर द चांस ऑफ एक्यूट इंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन वुमन, एक महिला में कब एक्यूट इंडोमेट्राइटिस होने की संभावना होती है, आफ्टर मेनोपॉज, मतलब इंडोमेट्राइटिस कब हो सकता है, आफ्टर मेनार्की, आफ्टर एबॉर्शन एंड चाइल्ड बर्थ, और इन चाइल्डहुड। इंडोमेट्राइटिस का अर्थ होता है इंडोमेट्रियम में इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन होना, मतलब यूट्रस में इन्फेक्शन या इंफ्लामेशन होना अंदर वाली लेयर में, तो ये हो सकता है आफ्टर एबॉर्शन हो सकता है, और चाइल्ड बर्थ के बाद में भी हो सकता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मेनोपॉज ये सब मैंने पिछली क्लासों में बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन
साइट फॉर मेटास्टेसिस इन लंग्स। इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टेटिक का सबसे सामान्य स्थल है? कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे फेफड़े का मेटास्टेटिक हो सकता है, मतलब जहाँ से अगर कैंसर उठता है, कैंसर होता है, फेफड़े में जाने का सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, लंग्स में हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो लीवर होगा। क्या होगा? लीवर, क्योंकि लीवर बिल्कुल फेफड़े के पास में है, जो आपके लंग्स है उसके जस्ट पास में होता है लीवर। बताओ उसका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने कई बार पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ये तो सभी को पता है। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो ये बताओ फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है? ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन के, ये होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। बच्चा कौन सा? बी और सी, बी और सी। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, जल में घुलनशील है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो बी और सी में से ही होगा, बी यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, सी है कि नहीं है देखो, तो बी में सी मिल रहा है ये वाला। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। बड़े आगे इस प्रकार से एलिवेट करके आप आंसर ढूंढ सकते हो। देन अगला क्वेश्चन है, अपन सभी के सामने आता है, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। आमाशय को कौन सी सिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सीलिएक आर्टरी, सिफिलिक आर्टरी। कैरोटिड जो आर्टरी होती है वो मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई करती है। किसको करती है? ब्रेन को। ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, कैरोटिड के बाद में टेम्पोरल बनती है, सभी को पता ही है। और पूछा क्या है इन्होंने? स्टोमक के बारे में पूछा है। अगर गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्लड सप्लाई की बात करें, गैस्ट्रिक जो आर्टरी है उसके अगर ब्लड सप्लाई की बात करें, नाम तो गैस्ट्रिक है सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये ब्लड सप्लाई किसको करती है? गैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है ब्लड सप्लाई किसको करती है? ये यहाँ पर डायफ्राम से निकलती है, डायफ्राम से निकल कर ये क्या करती है? एब्डोमेन के जितने भी सारे पार्ट हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन ये नियर द स्टोमक के पास में से होकर गुजरती है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं। बाकी ये गैस्ट्रिक आर्टरी यह मतलब स्टोमक को सप्लाई नहीं करती है। क्वेश्चन वही पूछते जो अलग होता है, याद रखना है गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं है, आप सब गैस्ट्रिक सोच रहे होंगे, नहीं है। फिर आता है सीलिएक आर्टरी, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है सीलिएक आर्टरी है, यही क्या करती है? स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है। ऑक्सीकृत रक्त कौन पहुंचाती है? सीलिएक आर्टरी। ये गैस्ट्रिक की ब्रांच होती है, याद रखना गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है जो स्टोमक के अंदर जाती है। ठीक है, सिफिलिक आर्टरी, ये सिफिलिक वर्ड में, सिफिलिक किसके लिए? ब्रेन के लिए, मतलब कवरिंग के लिए, आपके जो ब्रेन की जो कवरिंग है उसके लिए हो जाता है, और उसी को ये ब्लड सप्लाई करती है। आया समझ में? बड़े आगे अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर कौन सा है? सी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन। यूरिन में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? तो नॉर्मली, नॉर्मल पूछ रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है यूरिन में? ओनली ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो पाया जाएगा तो अपन बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, प्रोटीन पाया जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटीनूरिया। और रेड ब्लड पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हिमेचूरिया। ये हिमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोसूरिया तीनों चीज़ आती है। तो तीनों चीज़ें एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे पूछा है नॉर्मल क्या है, नहीं पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर है। कुछ भी नहीं पाया जाता है यूरिन में, नॉर्मली कुछ भी नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो क्या होगा? एबनॉर्मलिटी को शो करेगा। आया समझ में? बड़े आगे अगला क्वेश्चन है, साइको एनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाई, साइको यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को विकसित किया था सिगमंड फ्रॉयड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्रॉयड ने। ठीक है, यह आपका राइट आंसर है बिल्कुल। देन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन।
जिगर के विकार की पहचान करने का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा होगा? सीरम एल्बुमिन, सीरम बिलरुबिन, SGPT और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। 6 से लेकर 8 यहाँ पे अपन मान सकते हैं, सॉरी 8 से लेकर 10, 8 से लेकर 10 से यहाँ पे सेकंड मिनट अपन मान सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम को। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये इसका राइट आंसर है सीरम बिलरुबिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। मतलब सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट मतलब डिटेक्टिंग बेस्ट मेथड है ये लीवर फंक्शन का। अगला क्वेश्चन है अपन सभी के सामने, ग्लूकोमा से आया है। द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज, ग्लूकोमा का प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो एक्यूमस ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्यूमस ह्यूमर, और ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूमस ह्यूमर। तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे बी, कि ओनली टू इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्यूमस ह्यूमर, मतलब केवल नेत्रो द्रव के बाह्य प्रभाव को बढ़ाना, ठीक है, ये होता है ग्लूकोमा। अरे समझ में बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है? डेलिजम, सॉरी लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी में लॉस होना, इंटरेस्ट लॉस होना क्या कहलाता है? डिप्रेशन कहलाता है। मतलब दैनिक कार्यों में इच्छा की कमी, डेलिजन ऑफ गिल्ट मतलब शर्म फील करना, तो अपराध बोध मतलब जो भी हो रहा है उसका सबका जिम्मेदार कौन हूँ मैं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी परिवार की हालत जो भी है बुरी है जो भी है वो मेरी वजह से है, सबका कारण कौन है? मैं हूँ। देन डी का अगर बात करेंगे सुसाइडल आइडियाज, मतलब सुसाइडल आइडियाज आएंगे वो किसके अंदर आते हैं? डिप्रेशन के अंदर ही आते हैं। लेकिन सबसे मस्त आदमी होता है, सबसे हंसी खुशी वाला आदमी होता है, हैप्पी हैप्पी एक्सेसिव हैप्पी रहता है वो क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो मेरा अवतार हुआ है धरती पर, वो क्या बोलेगा? मेरा अवतार हुआ है, मेरा किसी विशेष कार्य के लिए जन्म हुआ है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करूँगा इस दुनिया में आके, मतलब इस दुनिया में आया हूँ कुछ अलग, मैं सबका भगवान हूँ, सब मुझे भगवान बोलेंगे, ऐसी मतलब धारणाएँ हो जाती थी पेशेंट की, तो वो क्या कहलाता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और ये सुसाइडल आइडियाज़ को शो नहीं करता है, डिप्रेशन को शो नहीं करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। बड़े आगे आज का लास्ट MCQ है ये, विच न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन एग, अंडे के अंदर कौन सा पाया जाता है न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी एंड प्रोटीन, कैल्शियम, फैट एंड विटामिन डी, प्रोटीन एंड आयरन। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन सा नहीं पाया जाता है ये पूछा है इन्होंने, एग में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ, विटामिन सी नहीं होता है ओनली फॉर, बाकी सब कुछ होता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर इनकरेक्ट होगा क्योंकि विटामिन सी तो होता नहीं है, तो ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन कैल्शियम होता है, फैट विटामिन डी होता है, प्रोटीन आयरन होता है, ये सारी चीज़ें एक के अंदर होती है। ये आपका नॉलेज का है, ज्ञान का क्वेश्चन है, तो प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, विटामिन डी होता है, फिर आयरन भी होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी थोड़ी यहाँ पे डिमांड थी कि क्लास को थोड़ा छोटा किया जाए, तो वही हमने कोशिश करते हुए क्लास को बिल्कुल छोटी कर दी है हमने, 40 मिनट 45 मिनट के आसपास, 50 मिनट से ज़्यादा नहीं हो रही है क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं अपन, कुछ और MCQs है हमने इसी सेशन में, वो भी अपन यहाँ पे लर्न करने वाले हैं कल, बहुत ही अच्छा रहेगा सेशन, देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत जय मेवाड़।